भिन्न भिन्न प्रकार के ऑफिसर होते हैं, बहुत बार अलग अलग प्रकार के ऑफिसर का अलग अलग काम होता है, ठीक है, जो हमारे शासन सचिव के अंदर मतलब के अंदर स्टाफ को नियंत्रण करके, शासन सचिव के अंदर स्टाफ को नियंत्रण करके रहता है, फिर उप सचिव होता है, फिर सचिव के सहायक होते हैं, फिर समय समय पर सचिव के द्वारा जो कार्य सौंपे जाते हैं वो सहायक लोग उसको क्या अच्छा से काम करके देते हैं, फिर वो काम करके क्यों देंगे, सचिव जी को देंगे, सचिव जी किसको देंगे तो अपने मिनिस्टर को देंगे, और मिनिस्टर किसको देगा मतलब कि मिनिस्टर हमारे यहाँ स्टेट में सीएम को देता है, वो सीएम उसको पूरे प्रोग्राम और पॉलिसी को अच्छे से देखते हैं, फिर सीएम को यह समझाया जाता है कि ये प्रोग्राम का ये हमें अच्छा है, ये प्रोग्राम का ये बुराई है, तो सीएम उसको क्या करेंगे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे पहले हमने देख लिए थे क्या सचिव क्या पर्दे के पीछे आके काम करते हैं, पर्दे के आगे कौन हमारे लीडर होते हैं, लीडर जो अच्छा काम करता है बढ़ाई लेगा, फिर जो बुराई काम बुरा काम करेगा तो उसको अच्छा बड़ा अच्छा बुरा हम लोग बोलते हैं, तुमने की क्या यहाँ पर लीडर को बुलाया जाए, यहाँ पर सचिव लोगों को या ऑफिसर लोगों को नहीं बोला जाता क्योंकि ऑफिसर लोग ना बवाई लेते हैं ना बुराई लेते हैं, ठीक है। इसके इसके अनुभाग में जो अधिकारी है वो एक पूरा हायरार्कल मैनर है, उसके बाद फाइल भी क्या होता है, फाइल भी हायरार्कल मैनर दी जाता है, मतलब की होता है जैसे ऊपर से सचिव कुछ ऑर्डर दिया, जैसे कोई हम लेते क्या एक कोई प्रोग्राम लेते, जैसे कि हम लोग ठीक है जनधन योजना ले लेते, ठीक है जनधन योजना वो तो एस्टेट का प्रोग्राम, एस्टेट का प्रोग्राम नहीं है, जैसे कि हम लोग लेते बिहार का सबसे बढ़िया क्या कि हम लोग ले लेते बिहार का जो मतलब कि स्कॉलरशिप मिलने वाला, जैसे बिहार स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी, ठीक है मैट्रिक वाले पास बच्चे को 10,000 का मिलने वाला, ठीक है तो उसका क्या होता है ये गवर्नमेंट क्या करेगी वो देगी कि बोलेगी कि आप 10,000 का कैसे दिया जाए किसे कितना इंस्टॉलमेंट दे उसका एक ब्लू प्रिंट तैयार कर दीजिए, तो क्या होगा बिहार वो जो सचिव के पास गया, सचिव एक पूरा मीटिंग में आएगी, वो मीटिंग बैठा गई तो उसको पूरे मेंबर को लाएगा, मतलब एडिशनल सचिव डिप्टी मतलब एडिशनल सचिव, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ स्टाफ उसको बैठाएगा, उसको सबको बोलेगा, ठीक है उसके बाद क्या वो जो बोलेगा सबसे पहले क्या करेगा उसको जो एडिशनल सचिव को ये बात बोलेगा कि आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट कैसा दिया, वो पैसा कैसे इंस्टॉलमेंट दिया जाए उसको आप कीजिए, फिर एक स्टाफ को बोलेगा क्या कि उसका क्राइटेरिया बताइए, एलिजिबिलिटी बताइए कि बच्चा कितना नंबर आएगा, 50% 60% नंबर आएगा तब उसको दिया जाएगा, फिर एक स्टाफ को बोला जाएगा कि कौन से जाति का बिलोंग होना चाहिए, कौन वो ओबीसी होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, एसटी होना चाहिए, एसटी होना चाहिए, ये सब के बारे में बताइए कि एसटी को कितना पैसा मिलना चाहिए, ओबीसी को कितना पैसा स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, और जेंडर को कितना पैसा ओबीसी मतलब कि पैसा स्कॉलरशिप मिलना है, तो ये क्या हो रहा है सब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वर्क वो बांट दिया जा रहा है, तो एक अभी विशेष जो काम होते हैं जो वो जो स्कॉलरशिप का इंस्टॉलमेंट के बारे में बताएगा कि 10,000 रुपया एक ही बार में दे देना चाहिए, दो तीन बार में देना चाहिए, तो वो बताएगा तो वो अपने वर्क को अच्छे तरह से करके, फिर वो अच्छे तरह से सब काम करके वो कहां सचिव के पास आएगा तो वो एक फाइल बनेगा, वो फाइल को क्या फिर हम सीएम जी को सीएम साहब को देंगे, तो इस प्रकार से क्या वो वर्क डिविजन हो जाता है जिसके कारण ये फाइल अच्छा बन पाता है और ये फाइल को अच्छी तरह से हो पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं जो सचिवालय का जो कार्य वो जो कार्यक्रम होता है वो जो प्रोग्राम होता है वो क्या फिक्स होता है, मतलब कि जैसे ये फाइल हमको बने क्या स्कॉलरशिप देना है सभी टेंथ वाले बच्चे को तो क्या ये हमको बता दिया जाता है, सीएम साहब बता देते कि 10 दिन में वो कार्यक्रम को करके देना है, वो फाइल को 10 दिन में आपको टाइम मिला, अब 10 दिन में इसको फाइल को बना के लीजिए, तो ये सब क्या एक शेड्यूल फिक्स होता है, ठीक है। सभी भी अभी क्या होता है कि सभी राज्य के सचिव का क्या अपना अपना फाइल व्यवस्था होता है, मतलब कि सबको अलग अलग फाइल लिखने का भी अलग अलग हो जाता है, सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है, तो ये फाइल को अच्छा से तैयार करके देते हैं।